ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सुरक्षा के इंतजामों के बीच अमृतसर में लगे खालिस्तान समर्थित नारे, पाकिस्तान के समर्थन में भी नारेबाजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर पंजाब में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, करीब 6000 जवानों की तैनाती। अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह का विवादित बयान, बोले सिखों को कभी आजादी नहीं मिली, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किया गया। हरप्रीत सिंह ज्ञानी ने कहा सिखों को अब हथियारों की ट्रेनिंग जरूरी, धार्मिक ताकत बढ़ाने की जरूरत। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 8 शूटर्स के शामिल होने का शक, जांच एजेंसियों को मिले सुराग, उनमें से एक आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक 3 शूटर्स पंजाब के, 2 हरियाणा के, 2 शूटर्स पुणे के रहने वाले। सूत्रों के हवाले से खबर, सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के हरियाणा, गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ताबड़तोड़ रेड। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले को लेकर हरियाणा और के फतेहाबाद में पंजाब पुलिस की दबिश, एक और संदिग्ध पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी देवेंद्र उर्फ काला पर हत्याकांड के 2 संदिग्धों को शरण देने का आरोप, पूछताछ कर सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई से 5 करोड़ फिरौती वसूलने वाला गैंगस्टर डागर था टारगेट, फेल हुए तो मूसेवाला को मारा। मूसेवाला की हत्या के बाद गैंग का अगला टारगेट था गैंगस्टर अमित डागर। डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस से मांगी थी फिरौती। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, 5 दिन बढ़ी रिमांड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट को दी जानकारी, कहा बीते 5 दिन में लॉरेंस को पलवल, सोनीपत और बहादुरगढ़ ले जाकर की जांच। स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा सुरक्षा वजहों से लॉरेंस को पंजाब लेकर नहीं जा रहे, पंजाब पुलिस को जानकारी शेयर कराई जा रही है। आगरा में बाइक टकराने के बाद 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव, झड़प में कई लोग हुए घायल। आईजी और एसएसपी के समझाने के बावजूद होता रहा हंगामा, दोनों पक्षों ने काफी देर तक एक दूसरे पर बरसाए ईंट और पत्थर। निर्माणाधीन सड़क बनने के दौरान स्लिप हुई थी बाइक, एक युवक से टकराने के बाद शुरू हुआ था विवाद। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था और डिस्बैलेंस हुआ और दूसरे व्यक्ति के चोट लग गई, उसमें दोनों आपस में झगड़ने लगे और हल्की फुल्की उनकी चोट लगी है। आगरा के ताजगंज में विवाद के बाद फिलहाल हालात काबू में, इलाके में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। कानपुर हिंसा में बीजेपी की नसीहत वाली चिट्ठी, लिखा सभी लोगों को सभी धर्मों का करना चाहिए पालन, धर्म पूजनीय का अपमान नहीं किया जाएगा स्वीकार। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर गिरी गाज, पार्टी ने किया सस्पेंड। लंबित होने के बाद नुपुर शर्मा की सिफाई, मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। नुपुर शर्मा ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया, अपने घर का पता सार्वजनिक नहीं करने की अपील की। नुपुर के अलावा बीजेपी ने दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल पर की कार्रवाई, पार्टी से किया बर्खास्त। नवीन कुमार जिंदल के बयान को बीजेपी ने पार्टी के मूल विचारों के विरोध बताया, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार किए थे प्रकट। विवादित नेताओं पर बीजेपी के एक्शन लेकर कांग्रेस का तंज, पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला बोले 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर पाकिस्तान ने जताई नाराजगी, पीएम शहबाज ने की कड़ी निंदा। अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बोले पाकिस्तान को भारत की घटनाओं से टेंशन, बिलावल भुट्टो बोले हिंदुत्व से प्रेरित इस्लामोफोबिया रोकने के लिए वैश्विक एकजुटता की है जरूरत। सऊदी अरब ने नुपुर शर्मा के बयानों की निंदा की, बीजेपी के निलंबन के फैसले का किया स्वागत। कानपुर हिंसा मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी की बैठक, पुलिस कमिश्नर ने जांच को बुलाकर दी जानकारी, सबूत इकट्ठा करने और उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर बैठक, अब तक 29 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हाशमी समेत 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, हाशमी की लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी। कानपुर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का किया खुलासा, एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम के नाम से बनाया गया था ग्रुप। सूत्र के हवाले से खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप पर 3 जून से पहले मार्केट बंद करने की फोटो डाली जा रही थी। आज फिर सतीन जैन के ठिकानों पर दिल्ली ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाला ऑपरेटर्स को लेकर होगी जांच। फिलहाल 9 जून तक ईडी की कस्टडी में है सत्येंद्र जैन, 30 मई को हुई थी गिरफ्तारी। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा समाजवादी पार्टी की टिकट पर रामपुर से लड़ सकती हैं चुनाव, आजम खान थोड़ी देर बाद खुद कर सकते हैं ऐलान। गुजरात बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी, 63% छात्र हुए पास। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर खाई में गिरी बस, 26 शव बरामद।
बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस, हादसे के बाद मौके पर बिखरी पड़ी दिखी लाश। बस में कुल 30 यात्रियों के सवार पिथौरागढ़ के रहने वाले ड्राइवर की बाल बाल बची जान। पूरी रात चला 200 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी घायलों को देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस हादसे में जान गंवाने वाले सभी तीर्थयात्रियों का पोस्टमार्टम देहरादून के जौली ग्रांड शिफ्ट किया गया। चार धाम यात्रा पर जा रहे थे बस में सवार यात्री, रविवार शाम करीब 7:45 हुआ हादसा। गहरी खाई और अंधेरा होने की वजह से शवों को सड़क तक लाने में दिक्कत का सामना। हादसे में बस के उड़े पर खच्चे। जिस जगह हुआ हादसा वहां यमुनोत्री हाईवे सकरा, इसको चौड़ा करके ऑल वेदर रोड बनाने का काम जारी। यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूरी रिखाऊ खड्ड क्षेत्र में हुआ हादसा। हरिद्वार से यमुनोत्री धाम जा रही थी बस। सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, हालात पर पूरी नजर। उत्तराखंड सरकार का मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान, शिवराज ने 5-5 लाख आर्थिक मदद का किया ऐलान। दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक हादसा है। हमारे पन्ना के भाई बहन जो चार धाम की यात्रा पर गए थे, सभी मृतक मध्यप्रदेश के पन्ना के रहने वाले, पीड़ित परिवारों में पसरा है मातम। हमारी मदद की जाए, हमारा तो कोई नहीं, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई जो था हमारे ससुर। उत्तराखंड हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक, जिन लोगों ने परिजनों को खोया उनके प्रति शोक संवेदना। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, रविवार को 24 घंटे में आए 4,270 नए मामले, 15 लोगों की मौत, एक्टिव केसेस 24,000। 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 1,463 मामले आए सामने, महाराष्ट्र में करीब 1,400 नए मामले, दिल्ली में 405 नए मामले। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बाद सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की नसीहत, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना संक्रमित, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी संक्रमित। देश में अब तक 94 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए देश में बूस्टर डोज देने के काम में भी आई तेजी। कश्मीरी पंडितों की किलिंग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कश्मीरी आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कश्मीरी पंडितों पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, कहा हमारे दरवाजे कश्मीरी पंडितों के लिए खुले हैं। कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, पूछा फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने वाले चुप क्यों हैं। मुंबई के रजा अकेडमी में मीनार मस्जिद के सामने किया प्रदर्शन, कश्मीर में आतंकी हमले में कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर जताई नाराजगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली जान से मारने वाली धमकी की चिट्ठी, मूसेवाला की तरह हाल करने का जिक्र। सलमान खान के पिता सलीम खान को मिली धमकी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में वादी के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया हत्या की धमकी मिलने का आरोप, जाम मस्जिद बंटोला अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर मुकदमा। गुजरात के मेहसाणा में बीजेपी नेता हार्दिक पटेल के पोस्टर की पाटीदार युवा नेता ने पोती कालिक, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे हार्दिक पटेल। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में हलचल, नाराज माने जा रहे सभी 6 विधायकों के साथ उदयपुर के रवाना हुए अशोक गहलोत। दिल्ली में राहुल गांधी समेत दूसरी पार्टी नेताओं की अहम बैठक, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर रणनीति पर होगी बात। कांग्रेस की बैठक में शामिल दिग्विजय सिंह बोले बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर देश को बांट रही है। रांची में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर किया वार, आदिवासी विश्वास रैली में बोले कमीशनखोरी का पर्याय बन गई है राज्य सरकार। हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ जारी किया रिपोर्ट कार्ड, बिहार सरकार को सभी मामलों में बताया फेल। थाने में भीड़ की सनक का वीडियो आया सामने, चोरी के शक में सीमेंट मिक्सर में रस्सी से बांधकर लड़के की बेरहमी से पिटाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना को मिली कामयाबी, हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बंगाल सरकार को दिया आदेश, 2 महीने बंद हो बक्सा टाइगर रिजर्व में सभी होटल और रेस्टोरेंट। ज्ञानवापी में पूजा की जिद पर अड़े स्वामी अविक मुक्तेश्वरानंद का आमरण अनशन जारी, स्वास्थ्य को लेकर शिष्य चिंतित हुए। एटा में नगर पालिका चेयरमैन मीरा गांधी और पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी के स्कूल पर चला बुलडोजर, स्कूल की अवैध बिल्डिंग ध्वस्त।